एजिटेशन को फेल करने के लिए हमारे को आपस में दंगे फसाद कराने के लिए, खून खराबा कराने के लिए उन्होंने साजिश रची। और वही बात यह सबको बच्चे बच्चे को पता है। और 27 और 28 तारीख को जो दो दिन हमारे ऊपर गुजरे वो हम लोग ही आप सबको, और 28 तारीख रात को टिकैत साहब को लोग कुछ भी कहें, कुछ क्या मानते हैं क्या नहीं मानते मेरा वो नहीं, लेकिन 28 तारीख की रात को जो टिकैत साहब ने उस वक्त किया और उनके कहने के बाद जैसे लोग वहां पर गए उसके कारण ये खून खराबा रुका और आज हम इकट्ठे गए। नहीं तो जो सरकार की साजिश थी वो कामयाब हो जाती तो आज हम ना तो इकट्ठे बैठ सकते थे ना ही कोई बातचीत कर सकते कि हमारी मांगे क्या, हम चाहते क्या, ये आज कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो सभी खासकर हिंदू समाज को समुचेता हूँ। मैं परसों केरला गया था, केरला में बातचीत हुई उन लोगों से, और उन लोगों को जब मैंने इस संघर्ष के बारे में अब कहा थे, मेरे पास किताब है जो किताब लेना, उन्होंने किताब लिखी केरला का रहने वाला इस संघर्ष पर, उसने कहा ये एक बहुत बड़ा मतलब कि एक इतिहास रचा जा रहा है। इसमें हमने सबने कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है, कुछ इनके पास है, तो हमने सारों ने बैठ के बातचीत आपस में करके इस संघर्ष को कामयाब करने के लिए उनके जो अपना अपना योगदान डाल भी रहे आगे भी चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो संघर्ष ये कानून है यह रद्द भी हो जाए तो क्या हम बहुत धनवान बन जाएंगे, क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? जब कानून नहीं थे क्या उस वक्त किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था? किसान के पल्ले क्या था? तो उसको कानून रद्द होने के बाद क्या हमारे को क्या मिलने वाला? हम तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन ये गाज हमारे ऊपर। और आज एक बात और जो समझने वाली है कि आज ज्यादा ये बात चल रही है कि ये जो संघर्ष चल रहा है ये किसान उनकी जमीनें जा रही है, वो अपनी जमीनें बचाने के लिए मतलब के संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक दिन अपने गांव गया, आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तहसील अजनाला बॉर्डर पे मेरा गांव है सारंग, पहले ये जगमने लगा था सिरसा इसलिए पहचान। और इस गांव से तो हमारा पार्टियां मतलब के समय समय की बात होती है, हमारे पिताजी के चौधरी देवीलाल जी के साथ मतलब के संबंध दुनिया वाली में शामिल है। लेकिन आज जो किसान की अकेली बात आ रही है कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहा, तो मैं गांव में गया तो कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि ये जो फलाना आदमी है जो कि मजदूरी करते हैं, कहने लगा कि वो आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत खुश हैं कि अब पता चलेगा इन किसानों को जब इनकी जमीन चले जाएगी तो ये भी मजदूरी करें, हम सब एक जैसे, हमारे पास तो तब पहले ही नहीं थी, तो इनकी भी जमीनें जाएंगी या जमीनें जगाने के बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने उन लोगों से मिलकर उनको समझाया कि ये जमीनों की बात नहीं है कि जेकर ये कारपोरेट घराने आ गए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, हमारी जमीन जाती जाती भी कुछ समय लगेगा, हम इतनी जल्दी जमीन छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जो मजदूर वर्ग, आपको मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरी तो हमारे को भी नहीं मिलेगी, हमारी मजदूरी की बात नहीं है, लेकिन जेकर FCI जैसे एजेंसियां खत्म हो गई, सरकारी मंडियां खत्म हो गई, सरकार ने कोई अनाज की खरीदी ना की, तो जो आप लोगों को आज सस्ते भाव में जो 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है या कहीं सुबह में 1 रुपए किलो चावल मिलता है, सस्ते भाव में दालें मिलती है, ये किसी को भी नहीं मिलेगी। लड़ाई इस बात की है, और जेकर तुम लोग इस बात को ना समझे तो हमारे को तो फिर भी कुछ ना कुछ समय लगेगा, लेकिन आपके ऊपर आज ही गाज गए।
अब मैं FCI के पास बैठा था डब्बा हाल, आपको याद पता होगा सभी को यहाँ के रहने वाले, जब कांड वापरा था 1995 तो उस वक्त लेबर की और ट्रक यूनियनों की आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा, तो मैं इनके साथ लेबरों के साथ, तो आज मैं लेबर के साथ बैठ के आया, भाई तुम चुप करके बैठे हो क्या, तुम्हारे को कोई ऐसी कोई मुश्किल आने वाली नहीं है? कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो भविष्य बहुत खतरनाक है। तो जो खतरनाक है तो फिर आप बैठे क्यों? सो आज बहुत सारी समस्याएं, आप भी बातचीत कर रहे हैं कि इनके साथ बात करो। अब मैं ये चाहूँगा, मैं आगे जाना है, तो ये हमारे को विचारने वाली बात है जो आप कर रहे थे कि कानून क्या है, इस कानून से किसान को क्या नुकसान होगा, मजदूर को क्या होगा, दुकानदार को क्या होगा, छोटे व्यापारी को क्या होगा, ट्रांसपोर्टर को क्या होगा, जितने भी लोग हैं उन पर क्या गाज गिरने वाली है, किसको क्या क्या नुकसान होने वाला है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जहां भी किसी की गलती होगा, अपने जो मेरे में कमी है, जेकर मैं अपनी गलती मान लूं तो बात आगे नहीं बढ़े। ये हम आज तक बताने में नाकामयाब है। हमारे पास वकील आए कि हम ये तैयार करते हैं कि ये कानून है क्या, और इन कानूनों से किसान को तो नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान होने वाले, और इन कानूनों के कारण जो मजदूर को, सभी वर्गों को, जिस आदमी ने भी दो वक्त की अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी खानी, कनकी के रोटी खाए, वो चावल खाए, कुछ भी खाए, ये उन सभी पर गाज देने वाली है। ये हमें छोटे छोटे पैपलेट बना के और सभी भाषाओं में बना मल के लिख कर ये पहुँचाना, लेकिन वो काम आप नहीं, इसलिए ये कमी भी आप बातचीत कर रहे थे। आप जो भी समझा दोगे ये ठीक है, अब हमारी जो मीटिंग होगी आप भी, मैं जैसा कहूँगा कि एक और भी हमारी कमजोरी है कि हम बात सुनने के आदि नहीं है, हम सुनने नहीं चाहते, हम केवल सुनाना जानते हैं, जेकर हम सुनने की हमारी को आदत पड़ गई। आप बात कर रहे हैं जो छोटा बच्चा भी बोल रहा है, तो वो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखता, इसलिए हमें सबको बैठकर आपस में बातचीत करके जो भी हमारी समस्याएं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर, जो हम नहीं कर पाए, लेकिन एक बात मैं एक छोटी सी बात